आप सभी को। मैं विवेकानंद केंद्रीय विद्यालय कुपोरिजो की छात्रा हूँ। मेरा नाम प्रिया प्रीति है। मैं कक्षा 8वीं में पढ़ती हूँ। मैं आज आप सभी के समक्ष एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है माँ और बेटा। एक समय की बात है, एक गांव में एक बेटा अपनी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहता था। उस लड़के का नाम था रोहन। रोहन के पिताजी गुजर चुके थे। रोहन की माँ एक छोटा सा मजदूरी करके रोहन को एक अच्छे स्कूल में पढ़ाती थी। रोहन की माँ का एक आँख नहीं था और वो देखने में भी अच्छी नहीं थी। एक बार रोहन बिना खाए ही स्कूल चला गया तो उसकी माँ ने सोचा कि वो उसे खाना दे स्कूल में दे आएगी। फिर वो खाना लेकर स्कूल पहुँची। जैसे ही रोहन अपनी माँ को अपने स्कूल में देखा, उसे डांटने लगा और कहने लगा कि तुम यहाँ क्यों आई हो, सारे दोस्त मुझे चिढ़ाएंगे और दोबारा मेरे स्कूल में मत आना। ये बात सुनकर माँ वहाँ से चली गई। बहुत धीरे धीरे समय बीतता गया और रोहन भी बड़ा हो गया। रोहन को एक अच्छी नौकरी मिल गई थी। रोहन शहर में ही रहता था, वह अपने घर कभी नहीं आता था। रोहन शहर में रहकर अपनी माँ को बिना बताए शादी भी कर ली थी। माँ ये आस में बैठी थी कि उसका बेटा एक दिन ज़रूर उससे मिलने आएगा, लेकिन उसका बेटा नहीं आया। फिर माँ ने सोचा कि शायद वो व्यस्त रहता होगा, इसलिए मैं ही उससे मिलने चली जाती हूँ। जब बेटा उसके ऑफिस में जब माँ ऑफिस में पहुंची तो उसने एक आदमी को बताया कि मैं रोहन की माँ हूँ और उससे मिलना चाहती हूँ। फिर वो आदमी आश्चर्य हुआ और जाकर रोहन को बताया कि एक औरत आई है और वो खुद को आपकी माँ बताती है। तो रोहन ने कहा कि नहीं, मेरी कोई माँ नहीं है, मेरी माँ बहुत साल पहले ही मर चुकी है। फिर वो आदमी गया और रोहन की माँ को ऑफिस से धक्के मार के बाहर निकाल दिया। समय बीतता गया, रोहन बहुत बड़ा हो गया था। फिर रोहन को महसूस हुआ कि वो एक बार अपनी माँ को देखना चाहता था। फिर वो अपने गांव गया। फिर अपने घर में वो दरवाज़ा बंद पाया। फिर उसने आस पड़ोस के लोगों से पूछा कि उसकी माँ कहाँ है। लोगों ने बताया कि उसकी माँ बहुत साल पहले ही मर चुकी है और उसे एक चिट्ठी देना चाहती थी। फिर वो रोहन चिट्ठी पढ़ता है और उस चिट्ठी में लिखा होता है कि बेटा, तुम जब बहुत छोटे थे तो तुम्हारी आँख की रोशनी चली गई थी और मैंने अपना आँख तुम्हें दे दिया था तुम्हारे अच्छे भविष्य के लिए। फिर बच्चा उस चिट्ठी को पढ़ा और अफसोस करता रहा पूरे ज़िंदगी भर। तो हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलता है कि माँ बाप हमारे भगवान से भी बढ़कर होते हैं। हमें हमेशा माँ बाप की सम्मान करना चाहिए। धन्यवाद।